अस्सलामु अलैकुम, आई एम तनवीर अनवर। वेलकम टू माय चैनल तनवीर आइडियाज़। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 4 लेसन नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान की तमाम हलशुदा सरगर्मियां आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डिफथंग। डिफथंग इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। डिफथंग पर एक कंप्लीट शॉर्ट लेक्चर वीडियो की सूरत में मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, यू मे गो थ्रू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ डिफथंग्स इन दैम। ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनमें डिफथंग्स हैं, जैसे संडे, ए और आई शॉर्ट आई मिल जाए तो संडे। द नेक्स्ट वर्ड इज रीच्ड, ई और ए डिफथंग। नेक्स्ट इज ग्राउंड, ओ और यू आओ साउंड। अर्ली अर्ली। नेक्स्ट इज नर्वस। सवाल नंबर 1 की दूसरी जुज है मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन डिफथंग्स इन योर नोटबुक। ए डे पे, ये सर के ले ये वर्ड बनेंगे। आओ आओ के ग्राउंड राउंड फाउंड। E और A, each में preach में ये सिमिलर साउंड है। आओ आओ में raw flow, ये सिमिलर साउंड है इन अल्फाज। द सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चन विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स। द शोधा गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स। वट वॉज डिस्प्लेड इन द बर्थ ऑफ द नेशन। द लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स ऑफ द कायद आजम वॉज डिस्प्लेड इन द बर्थ ऑफ द नेशन। वट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूजियम। Museum tells us about the past. Everything there is very informative and tells a story. The next question is write a paragraph on your favorite national hero. So this is a paragraph. Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah is my national hero. He is the founder of Pakistan. He was born in Karachi into the family of Jinnah Pooja, a merchant. He joined the Indian National Congress and worked for Hindu-Muslim unity. But soon he left it and joined the Muslim League. He worked hard for the creation of a separate country for Muslims. He achieved it on 14 August 1947. I like my hero because he is a man of character. Even his opponents acknowledge his honesty. See question ka sub question hai, fill the given gap summary using the words below. Protectors, brave, guard, word, pride. Ye word hai, ye summary mein likhne hai. Pehle pride aayega, then protectors, then guard. Iske baad brave soldiers aayega aur aakhir pe word. Next are MCQs. Tashif brought his diary along with him. The Nishan-e-Haider is the highest military award in Pakistan. On entering the museum, the children saw 4 Indian tanks. There are 11 great soldiers from the armed forces who received the Nishan-e-Haider. Agla question is language focus. Vocabulary building mein read the given word with their meaning. Ye Urdu meaning likhe hain aur English bhi likhe hain. You may look at these. The next question for solution is complete the given table by writing the different forms of each given word. नाउन वर्ब्स और एडजेक्टिव्स आपने एक वर्ड के जो मिसिंग हो गए वो लिखने हैं। जैसे एडमायर का जो एडमायरेशन नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा एडमायरेबल। सिलेक्शन का वर्ब होगा सेलेक्ट और एडजेक्टिव होगा सेलेक्टिव। इसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का वर्ब होगा ब्यूटीफाई और नाउन होगा ब्यूटी। आगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स एक्चुअली कहते हैं हम मानी अल्फाज को, एंटोनिम्स अल्फाज उल्ट को कहते हैं या अल्फाज मुतजाद को कहते हैं। ब्रेव बहादुर को कहते हैं, कर्जियस भी बहादुर को कह सकते हैं, कोवर्ट बुजदिल को कहते हैं, वार जंग को कहते हैं, बैटल जंग को कहते हैं, पीस अमन इसका उल्ट हो गया, इंटेलिजेंट जहीन, ब्राइट भी जहीन, स्टूपिड जो कम अकल होता है। अच्छा, विक्टोरियस फाते, सक्सेसफुल कामयाब सिमिलर, डिफीटेड नाकाम। अगला सवाल है लर्निंग टू स्पेल। रीअरेंज करना है इन लेटर्स को, नया वर्ड बनाना है। जैसे स्माइल बनाया पहला, स्पीच, देन लर्न, मोमेंट, फेथ, पीरियड, ये इन अल्फाज को, इन लेटर्स को रीअरेंज करके मैंने नया वर्ड बना दिया। अगला क्वेश्चन है उन नाउंस को जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है उन्हें अपने फिक्रों में यूज़ करना है। जैसे शीप है, इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है। आई हैव द शीप, इसका मतलब है प्लूरल, मैं बहुत सी भेड़ें रखता हूँ। हेयर इधर भी प्लूरल है, आई डोंट हैव लॉन्ग हेयर। डियर, अ हंटर लाइक्स टू हंट फॉर डियर। हिरन को इधर मैं एज अ सिंगुलर लिया। आगे क्वेश्चन है दी गई हेल्पिंग वर्ब्स को अपने फिक्रों में यूज़ करना है। इस, ही इज़ माई फ्रेंड। आर, वी आर पाकिस्तानी। एम, आई एम अ स्टूडेंट। हैज़, ही हैज़ 10 रुपीज। हैव, आई हैव नो बुक। हैड, शी हैड अ डॉल। डू, आई डू नॉट वॉन्ट टू टीज यू। डिड, एम डिड नॉट ब्रेक द चेयर। दी गई प्रपोजिशंस हैं, अब इनको फिक्रों में यूज़ करना है। Prepositions of time को, at, in, on को। I shall reach there at 8 a.m. I shall reach there in the evening. I shall reach there on Monday. अगला सवाल है degrees of regular adjectives. Adjective की 3 degree होती हैं, positive degree, comparative degree, superlative degree। ये degrees दी गई हैं
कंपेरेटिव का सी लिखना है, पॉजिटिव का पी लिखना है, सुपरलेटिव का एस लिखना है. जैसे बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, एस लिखना है. स्मॉलर कंपेरेटिव है, सी लिखना है. थिन पॉजिटिव है, पी लिखना है. ब्राइटर सी लिखना है, कंपेरेटिव है. सॉफ्टर कंपेरेटिव लिखना है. स्मार्ट पॉजिटिव लिखना है. डार्क पॉजिटिव डिग्री है. ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है. बिजीएस्ट सुपरलेटिव है. वाइल्ड पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन एडजेक्टिव्स. लवली सना इज लवली. स्मॉलर शी इज स्मॉलर देन मी. ग्रेटेस्ट ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन पर है. ताशिफ का टी कैपिटल करना है. हाउ का एच कैपिटल करना है. कीप का के, अर्थ का ई, सेव का एस कैपिटल करना है. ये इसलिए कैपिटल किए हैं क्योंकि ये स्टोरी का टाइटल है. टाइटल के तमाम लेटर्स वाई प्रपोजिशन के सब कैपिटल होते हैं इनिशियल. देन टी कैपिटल करना है. डी का अनेस्टी का एच कैपिटल करना है. बेस्ट का बी कैपिटल करना है. पॉलिसी का पी कैपिटल करना है. डी कैपिटल करना है डी में. डफ का डी कैपिटल करना है. आर्ट का ए कैपिटल करना है. अगला क्वेश्चन है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द टॉपिक अजू. अजू इज अ प्लेस वेयर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव. दे लिव इन द क्लोज्ड एरियाज इन द जू एंड द विजिटर्स कैन सी द एनिमल्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्पेसिस. देयर आर पीपल हु टेक केयर ऑफ द जू प्रोवाइड द एनिमल्स एंड बर्ड्स विद द बेस्ट केयर. The authorities of the zoo make sure that the animals and the visitor of the zoo are not harmed in any way. So, last question is, write a paragraph for the honor of your country. The name of my country is Pakistan. I was born in the country. I am proud of being Pakistani. I am thankful to God that He has given this as a gift. It has given me a lot. This country has given me a lot. It has the best army. It has given us many heroes. Dr. Abdul Islam, Malala Yousaf and Arfa Karim. Or the honor of Pakistan. आखिर पर मेरे तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें. अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें. जज़ाकअल्लाह.